वेलकम बैक, मैं आपका दोस्त चांद और आप देख रहे हैं टेक्निकल फार्मर। तो कल की जो नुकसान था उससे हम बड़ी मुश्किल से निकल पाए हैं। भाई ऐसा होता रहता है, लेकिन अचानक से अगर इस तरह का नुकसान हो जाए तो थोड़ा गम तो होता ही है। तो उसके बाद हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया, तो अब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, उसका दूसरा दिन है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे स्थिति में बर्ड को पाल रहे हैं और आपको अपडेट दे रहे हैं। तो देखिए हमारा ये लकड़ी वाला फार्म पूरा, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इनको पाल रहा है। मजबूरी में इनको पालना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो अब 10 से 15 दिन के बाद ही सूख पाएगा, क्योंकि पूरा गीला हो चुका है, उस फार्म में जाने की भी स्थिति नहीं रही है। और वो ध्यान आ जाता है फिर कि इतने सारे मॉर्टेलिटी हुई थी, इतने सारे बच्चे एक दूसरे पर ऐसे लद गए थे, पूरे जो है ख़त्म हो गए थे। तो बहुत दुख हुआ। हालांकि बिजनेस होता रहता है, लेकिन इस तरह से मॉर्टेलिटी का दुख होता है। बिजनेस में लॉस हो जाए, जैसे हमने पिछली लॉट में दिखाया था लॉस हुआ था, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ में मॉर्टेलिटी के थ्रू जब आपको लॉस होता है तो बुरा लगता है। भाई हम उनको छोटे से लेकर आते हैं, उन्हें पालते हैं, फिर बड़ा करके उसे सेल करते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन सामने अगर मॉर्टेलिटी हो जाती है, इतने छोटे छोटे चिक्स और एक दूसरे पर ऐसे लदे थे, इतने मोटी परत बिछ गई थी और मर गए थे, वो थोड़ा बुरा लगता है। तो उसी से अब हम आपको दिखाएंगे, मजबूरी में यहाँ पाल रहे थे, जबकि हम सोच रहे थे इस फार्म को पूरा हम देगी। अब इसके सूरज दिखाई दे रहे हैं इसमें फार्म में, ये इतना पूरी जगह खुली डली है, यहाँ पे देखिए ये खुली डली है, बिल्ली उल्ली कहीं से भी आ सकती है, लेकिन ये ऊपर की है स्थिति, इसलिए बिल्ली अभी यहाँ पे नहीं आती। चलिए हम बैक कैमरा करके आपको पूरा फार्म दिखाते हैं, लेकिन बर्ड की स्थिति आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी है। लग नहीं रहा है कि ये अभी डूब गए थे पानी में और पूरे गीले हो गए थे, अब बिल्कुल सही है। तो चलिए बैक कैमरा करके हम इनको दिखाते हैं। तो देखिए आप, फार्म की स्थिति ये है कि ये फार्म में हमने लकड़ी वगैरह सारी भर दी थी, कल भी हमने दिखाया था। आप देखिए ये फार्म, जाली ये लगी है और फार्म यहाँ से खुला है पूरा, ठीक है। और इसी तरह से ये देखिए आप, खम्बा है, ये देखिए यहाँ भी खुला हुआ, देखिए ये सांस दिखाई दे रही है। इस तरह से पूरा फार्म इसी ऐसा ही हो गया है, पूरा चटक गया है। देखिए ये सांस, ये पूरी सांस दिखा रही है, वहाँ आप देख सकते हो वो पूरी सांस दिखा रही, तो ऐसा ही है। तो हमने यहाँ से इतना बैरिकेड कर दिया क्योंकि अब कम बचे हैं, 1500 के लमसम बचे, 2000 डाले थे हमने, पुराने वाले सारे फीडर हटा दिए क्योंकि वो धुले नहीं थे, तो उनको सारों को यहाँ लगा दिया, पूरा इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे हमारे बैठने लेटने का आ गया है, जहाँ पर बर्ड होता है हम वहीं पे लेटते बैठते हैं, हमें जाने क्यों सुकून मिलता है साथ में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्थिति में है बर्ड, ठीक है। फिर नए पर्दे ले आके, वहाँ से नया पर्दा ले आए, ये पर्दे ले आए, सारे पर्दे ले आके पर्दे पूरे में लगाए हमने, उसके बाद में यहाँ पर चिक्स डाला। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्थिति में, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बर्ड हमारा भींग चुका था। देखिए कितना बढ़िया खेल रहा है और सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के अच्छा कवर कर रहे हैं। और क्योंकि ये बिल्कुल सूखा है फार्म, एकदम से बढ़िया सूखा है, तो किसी तरह की नमी नहीं है, तो वहाँ से बढ़िया ही रहा कि यहाँ ले आए। अगर मॉर्टेलिटी ना होती तो शायद हम ना ले आते, लेकिन भगवान या अल्लाह जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। अब देखते हैं इसमें क्या अच्छा होता है। देखिए कितनी शानदार स्थिति में है बर्ड हमारा, देखिए ये किस तरह से खेल रहा है, क्योंकि सूखा है बिल्कुल फार्म। देखिए ऐसा खेलना भी बहुत ज़रूरी है, इस तरह से ये खेल रहा है, देखिए कितना खुश होगा, ये एक खिद्दो हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है, एक कितना छोटा सा चिक्स है, कितना अच्छे से खेल रहा है, बहुत ही बढ़िया, सारे चिक्स बढ़िया से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। कल से आज हमारा मूड फ्रेश हुआ है, जब हमने देखा कि चिक्स बढ़िया है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि नमी नहीं है इस फार्म में। ये फार्म हमारा 2.5 फुट कम से कम लेवल से ऊंचा है, 2-2.5 फुट, बढ़िया सूखा डला है एकदम से, तो जितनी जगह सूखी थी उतने में हमने डाल दिया है।
अब इसी में पाल के बाहर कर देंगे, अब उसको साफ करके फिर से उसमें सर्दी के लिए पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। तो यही था आज का अपडेट। बढ़िया चिकित्सा हमने कहा अपने हम व्यूवर्स को जो लगातार देख रहे हैं, जैसा भी होगा पूरी लॉट में आप समझ सकते हैं ऐसे भी पल सकता है, अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है तो ऐसे भी पल सकता है, हर तरह का आपको दिखाएं। कुल मिला के इसे सरल बनाना है पोल्ट्री फार्म को, हमारे वीडियो बनाने का मतलब है पोल्ट्री फार्म सरल हो जाए एकदम से, यानी आपके पास लाइट नहीं है तब भी आप पाल सकते हैं, आपके पास लाइट है तो पाल सकते हैं, पैसा कम है तब आप लकड़ी का बना के पाल सकते हैं, अच्छा पैसा है तो आप पक्का बना के पाल सकते हैं, कम पैसा है आप नॉर्मल फीडर ड्रिंकर लगा दें, अच्छा पैसा है ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगा दें। कुल मिला के ये है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आप रोजगार पाने के लिए पोल्ट्री फार्म में कम से कम लागत में आ सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है, आप किसी भी हाल में इनको पाल सकते हैं, बस आपकी मेहनत और लगन होना चाहिए इसमें। जरूरी नहीं है कि ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर पर ही पलें, निप्पल सिस्टम पर ही पलें, अच्छे खासे पोल्ट्री फार्म सेट पर ही पलें, इनको आप कैसे भी पालो बस अपना समय यहाँ लगा दो आप सक्सेस हो जाएंगे, ये हमारा वादा है। तो आज का यही अपडेट था, कल देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।